नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिनको 10th प्लस टू पास और ग्रेजुएट वाले जिनको ये इस प्रकार की जॉब का इंतज़ार होता है। तो ये वीडियो इसलिए लाइक करनी है आपने क्योंकि ये आपके काम की है, ठीक है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड बकलो डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, विज्ञापन है ये। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 5 मार्च को ये जारी कर दी गई थी, ठीक है। हमारे पास सूचना पहले से थी पर हमने आपको जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि इसके लिए उस टाइम अप्लाई करने की जो डेट थी वो बहुत दूर थी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 012019, ठीक है। अब जो वैकेंसी है वो देख लीजिएगा आप। पोस्ट कोड है 01/19, टाइपिस्ट कॉम रिकॉर्डर कीपर की ये पोस्ट होगी। सैलरी आपकी जो होगी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसमें देख लीजिएगा आप। जनरल की एक पोस्ट ये भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है टैक्स कलेक्टर की, तो इसके लिए 20,000 से 25,000 तक आपकी सैलरी होगी। एससी वालों के लिए पोस्ट है, तो जनरल वाले इसके लिए अप्लाई ना करें तो बेटर है, ठीक है। टोटल पोस्ट है 1 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें भी कोई नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है ये, ठीक है। 5,910 से 20,000 प्लस इसमें 2,000 ऐड होगा। इसके लिए जो फॉरेस्ट गार्ड है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ठीक है। 10वीं पास है इसके लिए, अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स कलेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और ये टाइपिंग कॉम रिकॉर्ड्स कीपर के लिए आप प्लस टू पास होने चाहिए। MHS की जो जो पोस्ट है इसके लिए जो सैलरी आपकी वो स्क्रीन पर आ रही है आपकी, ठीक है। अनरिजर्व की पोस्ट होगी और टोटल पोस्ट क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सफाई वाला की 10 पोस्टें होगी, ठीक है। 5 जनरल की और 4 OBC की, 1 EWS की है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 10 ये भरी जाएंगी। और जो इसकी सैलरी वो आप देख लीजिएगा, 4,900 से लेकर आपकी जो 10,680 प्लस 1,300 उसमें ग्रेड पे होगी, ठीक है। तो मिला लीजिए आप कितना बनता है। और इसमें आपको एक जो सफाई वाले की पोस्ट है इसमें आपको एक फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है, सफाई वालों में। और JFD टीचर की पोस्ट है ये भरी जाएंगी 2, ठीक है, जनरल के लिए और 1 SC के लिए, JFD टीचर के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पूरी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब अभी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए आप 3 दिन बाद अप्लाई करोगे। लास्ट डेट इसकी बहुत दूर है, ठीक है। 11 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आराम से, अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं तो। उसके बाद जो भी जानकारी होगी हम आपको इस प्रकार से देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बने रहिएगा मेरे साथ हिम तक। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद।